बिहार के ग्राम मुखिया के लिए बहुत बुरी खबर, अब मुखिया की कमाई होगी बंद। बिहार के मुखिया जी पर नीतीश सरकार लगाएगी लगाम, टेंशन में मुखिया जी। अब बिहार के पंचायत में हो रहे काम को लेकर के निकालना होगा टेंडर, मुखिया की कमाई होगी फुल स्टॉप। अब बिहार के मुखिया नहीं कर सकेंगे ये काम, कैबिनेट में पास होते ही मुखिया की उड़ी नींद। जाने बिहार के मुखिया के लिए क्या है नया नियम, क्यों मुखिया है परेशान, जाने विस्तार से। जब बिहार में पंचायत की सरकार पर अब राज्य सरकार नकेल कसने की तैयारी कर ली है, जब राज्य सरकार ये आदेश पारित करने जा रही है कि अब मुखिया समेत कोई भी पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे, यानी कि मुखिया जी अपने मन से किसी को भी काम आवंटित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के पहले टेंडर जारी होगा, उसके बाद जो काम को अच्छे और फिर सस्ते दर पर कर सकेंगे उन्हें इसका टेंडर दिया जाएगा। दरअसल पंचायती राज विभाग ने अब ग्रामीण स्तर पर कार्य कोड बनाया है, यह इस कार्य कोड पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है, यह अब जल्द ही इस पर कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे राज्य में यानी कि बिहार में लागू कर दिया जाएगा। यह पंचायत कार्य कोड लागू होने के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिना टेंडर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सरकार टेंडर जारी करेगी, या इसके बाद जिनको ये टेंडर मिलेगा ये काम करेंगे। आपको बता दूं कि वर्तमान में पंचायती राज विभाग की तरफ से एक ग्राम पंचायत को औसतन साल में 50 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिलते हैं, वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद को इससे कुछ अधिक राशि दी जाती है। अभी तक ये काम इनकी मर्जी के अनुसार होता रहा है, लेकिन अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से भी काम नहीं करा पाएंगे। टेंडर पर कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाने के बाद इस पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगा। आपको बता दें कि मुखिया समेत कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे। वर्तमान व्यवस्था में विभागीय अनुमति से सारे काम होते रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मी एजेंसी के रूप में नामित होते हैं, मुखिया और संबंधित स्तर के कर्मी पदाधिकारी संयुक्त रूप से इस कार्य को तय करते हैं, या इसमें टेंडर की बाध्यता नहीं है। हालांकि 15 लाख से ऊपर के काम के लिए टेंडर जारी करने का नियम है, पर यह प्रभाव रूप से लागू नहीं हो पाता है। आपको बता दूं कि पहली बार यह व्यवस्था बनाई जा रही है, इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने कार्य कोड बनाया है। इस कार्य कोड पर वित्त विभाग की सहमति भी मिल गई है, या जल्द ही इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पंचायत कार्य कोड लागू होने के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिना टेंडर कार्य नहीं कर पाएंगे। इस तरह मुखिया समेत कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे। वर्तमान व्यवस्था में विभागीय अनुमति से सारे कार्य होते हैं, या इसमें सरकारी कर्मी एजेंसी के रूप में नामित होते हैं, मुखिया और संबंधित स्तर के कर्मी पदाधिकारी संयुक्त रूप से इस कार्य को तय करते हैं, या इसमें टेंडर की बाध्यता नहीं है। आपको बता दूं कि अब तक जो नियम है उसके अनुसार जीजी एक ग्राम पंचायत को औसतन साल में 50 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिलते हैं, जब वहीं पंचायत समिति और फिर जिला परिषद को इससे कुछ अधिक राशि दी जाती है। जब अभी तक मनमाने तरीके से काम होता रहा है, जब टेंडर पर कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाने के बाद इस पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगा। जहाँ अब पूरी तरीके से काम पारदर्शी होगी, जब नए नियम में तय किया जा रहा है कि विशेष परिस्थिति में साल में 3 काम पंचायत या फिर जिला परिषद बिना टेंडर के करा सकते हैं, या इन तीनों की लागत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। या इनमें भी पंचायत के स्तर के काम होंगे तो फिर प्रखंड के पदाधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी, या प्रखंड के कार्य को जिला स्तर से अनुमति लेनी होगी, या विशेष परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा आदि मामले हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुखिया के द्वारा कौन कौन से काम होते हैं, तो बात करते हैं कि पंचायतों में मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा सड़क निर्माण, खेल मैदान, चार दीवारी, नाली का निर्माण, तालाब का जीर्णोद्धार, मिट्टी भराई, कचरा प्रबंधन, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना आदि का निर्माण कराया जाता है। अब ये सारे काम पंचायती राज विभाग और मुखिया जी की देखरेख में टेंडर की प्रक्रिया से कराया जाएगा। दोस्तों ये अपडेट बस है, तक इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।